स्वामी शिवानंद सरस्वती वेदांत के आचार्य, योगाचार्य और दार्शनिक थे। स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म दक्षिण भारत में ताम्रपर्णी नदी के पास पट्टामड़ई नाम के गांव में 1887 को हुआ था। इनके बचपन का नाम कुप्पू स्वामी था। कुप्पू स्वामी के पिता का नाम पीएस वेंगू अय्यर था। पेशे से राजस्व अधिकारी पीएस वेंगू अय्यर एक महान शिव भक्त थे। कुप्पू स्वामी की माता पार्वती अम्मा भी ईश्वर भक्त थी। माता पिता का संस्कार कुप्पू स्वामी को मिला और बचपन में ही उन्होंने वेदांत का अध्ययन और अभ्यास शुरू कर दिया। बाद में कुप्पू स्वामी ने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया और मलेशिया में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। कुप्पू स्वामी का जीवन आध्यात्मिकता के साथ सरलता का उदाहरण है। इन्होंने डॉक्टरी छोड़ आध्यात्म की राह चुनी और संन्यास लेने के बाद ऋषिकेश में अपना जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि कुप्पू स्वामी को एक साधु ने एक आध्यात्मिक पुस्तक दी। उन्होंने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और इसका असर यह हुआ कि उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हुआ। हालांकि इससे पहले वे श्री शंकराचार्य, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद के साहित्य भी पढ़ा करते थे और नियमित पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद अचानक इनके मन में साधना का भाव उदय हो गया और वे 1922 में अपनी नौकरी छोड़कर मलाया से भारत वापस आ गए। घर पर अपना सामान रखा और घर के भीतर प्रवेश किए बिना ही तीर्थ स्थानों के भ्रमण पर निकल पड़े। तीर्थ भ्रमण करते हुए डॉक्टर कुप्पू स्वामी ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ वे कैलाश आश्रम के महंत स्वामी विश्वानंद सरस्वती से मिले और इनके शिष्य बन गए। डॉक्टर कुप्पू स्वामी को दीक्षा देने के बाद स्वामी विश्वानंद ने उन्हें एक नया नाम दिया, स्वामी शिवानंद सरस्वती। स्वामी शिवानंद ने कठिन आध्यात्मिक साधना की, जिनमें वर्षा और धूप में बैठना, मौन धारण करना, व्रत, योग और तपस्या शामिल थे। स्वामी शिवानंद सरस्वती स्वर साधना को योग विद्या और ज्योतिष विद्या का महत्वपूर्ण आधार मानते थे। वह कहते थे कि जो स्वर साधना नहीं जानता, उसकी ज्योतिष विद्या अधूरी है। योग के क्षेत्र में भी यही बात लागू है। उनका मानना था कि साधु सन्यासी या ज्योतिष आदमी को देखकर ही ऐसी बातें कह देते हैं जो कालांतर में सही साबित होती हैं। लोग इन्हें चमत्कार मानने लगते हैं, किंतु वे स्वर साधना के कमाल होते हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जीवन के विविध आयामों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उसे जनोपयोगी बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। स्वामी शिवानंद ने अपनी प्राणायाम संबंधी पुस्तक में लिखा है कि योग में इतनी शक्ति है कि कोई शरीर के भार को कम करके पल भर में कहीं भी कितनी भी दूर जा सकता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से दीर्घ जिह्वा को अंदर की ओर मोड़कर उससे पश्च नासा द्वार को बंद कर वायु में उड़ान भरी जा सकती है। दृष्टि या स्पर्श मात्र से अथवा मंत्रों के जप मात्र से रोगी का उपचार किया जा सकता है। स्वामी जी ने सन 1932 में ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम, सन 1936 में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और 1948 में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की। उन्होंने इन्हीं संस्थाओं के जरिए लोगों को योग और वेदांत में प्रशिक्षित किया और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जन जन में योग एवं वेदांत के ज्ञान को सरल भाषा में उपलब्ध किए जाने के उद्देश्य से योग वेदांत वन अकादमी प्रेस की स्थापना सितम्बर 1951 में की गई। आध्यात्म, दर्शन और योग पर स्वामी जी ने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की। उन्होंने 1953 में शिवानंद आश्रम में विश्व धर्म संसद भी बुलाई। 14 जुलाई 1963 को इस महान आत्मा ने महासमाधि ले ली। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं आज भी उनके ज्ञान को प्रसारित करने के कार्य में
जुटी हुई है।